हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। अगर आप अपनी चार्ट एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आर्स के दौरान जो कुछ भी बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने आपको सभी इंडेक्सेस के इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर हमने सेंड कर दिए थे। देन फिन निफ्टी की हमने आपको एक यहाँ पर स्पॉट ट्रेंड लाइन हमने आपको बताई थी, और आज हमारा फिन निफ्टी ने एग्जैक्ट इसी स्पॉट ट्रेंड लाइन का यहाँ से सपोर्ट लिया था। देन उसी के बेसिस पर हमने एक यहाँ पर कॉल पोजिशन थी जब मार्केट ने इसका सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से अपसाइड मूव दिया था। देन फिन निफ्टी में हमने आपको बाद में कंसोलिडेशन रेंज बताई थी, और आपको कहा था कि जब इस कंसोलिडेशन का यहाँ से ब्रेकआउट होगा और होल्ड होगी देन आपको अपनी एंट्री लेनी है। और आप देख सकते हैं कि इस कंसोलिडेशन का ब्रेक हमें यहाँ से अपसाइड देखने को मिला था, और उसी के बेसिस पर आज हमने यहाँ पर अपनी काफ़ी सारी कॉल पोजिशंस को लिया है। सभी इंडेक्सेस आज हमारे यहाँ पर कंसोलिडेट थे, और जब उनका कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ देन हमें एक अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिला है। बैंक निफ्टी ने भी जब अपनी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया था देन उसी के बेसिस पर मैंने आपको एक कॉल पोजीशन यहाँ पर दी थी 340 पर, जिसने आप देख सकते हैं यहाँ से 530 का हाई यहाँ पर लगाया था। तो यानी जो कुछ भी मार्केट आर्स के दौरान बनता है वो सब कुछ हम आपको अपडेट करते हैं। आज मार्केट ओवरऑल सारा दिन सिर्फ कंसोलिडेट ही थी, और इसीलिए कुछ मार्केट में आज हमारा नहीं बना था, इसीलिए हमने सिर्फ आपको एक कंसोलिडेशन रेंज बताई थी कि इसके ब्रेक होने पर आप अपनी एंट्री को लेकर चलेंगे। चलिए फिर अब ये देखते हैं कि आप मंडे को यहाँ पर मिड कैप में कैसे ट्रेड करके चलेंगे, क्योंकि मिड कैप की हमारी मंडे को वीकली एक्सपायरी होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मिड कैप के यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपसाइड से हमारी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, जो कि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब मार्केट ने पहले इस ट्रेंड लाइन का यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था देन हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिली थी। उसके बाद भी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, यहीं से सेलिंग थी, फिर से यहाँ से देखे तो यहीं से सेलिंग थी। तो अब मार्केट में हमें एक बुलिश मूव अपसाइड देखने को मिला है, और मार्केट अगेन यहीं का रेजिस्टेंस लिया है, कल भी यहीं का रेजिस्टेंस लिया था, और आज भी मार्केट ने ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के पास ही अपनी यहां पर क्लोजिंग दी है। आप यहां पर अच्छे से देख सकते हैं। अगर हम यहां पर लेवल की बात करें तो वो हमारे लिए रहेगा 11,000, यानी मंडे के लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो 11,000 है। इसके अपसाइड होल्ड होने पर ही आप यहाँ से अपनी सी साइड पोजिशन को बनाकर चलेंगे, जो कि आपको एक बेस्ट ट्रेड ये यहाँ पर आपको बनाकर देगी, यानी मार्केट यहाँ से हमें अपसाइड देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर इसके एग्जैक्ट लेवल की बात करें, इस 11,000 के लेवल की बात करें, तो आप यहाँ पर भी देखें तो इसके अपसाइड होल्ड नहीं थी, तो यहीं से सेलिंग थी। यहाँ भी बात करें तो यहाँ से भी हमारी इतनी ज़्यादा सेलिंग थी, जब मार्केट ने अगेन इसी 11,000 के लेवल को रीटेस्ट किया था तभी भी हमारी ये यहाँ पर सेलिंग थी। तो ये लेवल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस हमारा बनकर निकल कर हमारा आ रहा है 11,000। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक दे भी देती है तो यहाँ पर ये थोड़ी कंसोलिडेट होनी ज़रूरी है 11,000 के डाउनसाइड, और जब इस कंसोलिडेशन का ब्रेक हमें यहाँ देखने को मिलेगा तो एक फास्ट मूव अपसाइड देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम इस लेवल पर सबसे ज़्यादा हमारी यहाँ पर कॉल राइटिंग हुई है। तो ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल मंडे को काम करने वाला है। अगर मार्केट यहीं से कोई बियरिश पैटर्न बना देती है मॉर्निंग में, अगर थोड़ा गैप अप भी ओपन होती है और यहीं से कोई बियरिश पैटर्न बना देती है, तो मार्केट में आपको यहाँ पर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक वन वे मूव हमें यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल रहा है, और मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, वो हमेशा यहाँ पर जिगजैग की फॉर्म में चलती है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है मिड कैप को यहाँ पर सिर्फ अप ट्रेंड में ट्रेड करते हुए, तो यहाँ से वो एक यहाँ से हमें सेलिंग देखने दिखा सकती है मंडे को 11,000 के लेवल पर। अगर कोई पैटर्न बनता है बियरिश पैटर्न, तो आपको यहाँ से एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि मार्केट सिर्फ हायर हायर ही यहाँ पर बनाती हुई चल रही है। अगर इसके वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो हमें कोई सिनेरियो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउनसाइड हमें मिड कैप देखने को मिलेगा। बट अगेन नेक्स्ट वीक हमारा यहाँ पर स्टार्ट होगा, तो 11,000 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल कर आ सकता है। तो चलिए फिर अब अपने इसके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में जान लेते हैं कि आप मंडे को कैसे ट्रेड करके चलेंगे, यानी आपको अगर अपने छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने हैं तो आप वो किस लेवल्स पर करके चलेंगे। तो हमारे लिए जो कल को सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल काम करेगा वो 10,874 का रहेगा। देन अगेन ये रेजिस्टेंस है, अगर लेवल की बात करें तो 10,908 का, उसके बाद 10,948, देन 10,999 यानी 11,000, और देन 11,000 यहाँ पर 30, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हमारे रेजिस्टेंस निकल कर आएंगे। अगर सपोर्ट की बात करें तो वो रहेगा 10,825 का,
देन 10,776 का, देन 10,723 का, देन 10,676 का, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हमारे सपोर्ट निकल कर आएंगे। और दूसरा जो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन हमने आपके लिए लगाई है, ये भी मंडे को आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर काम करने वाली है कि अगर मार्केट इसके बीच में कहीं पर ओपन होती है, अगर इसका ब्रेकआउट देती है तो देन आप यहाँ पर सी साइड एंट्री लेकर चलेंगे, अगर इस ट्रेंड लाइन का वो ब्रेक डाउन देती है तो देन आप यहाँ से अपनी पी साइड पोजिशन को बनाकर चलेंगे, फिर आपके ये इम्पॉर्टेंट हमारे सपोर्ट निकल कर आएंगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आपका निकल कर आएगा वो 10,000 यहाँ पर 600 आपका निकल कर आएगा। अगर मार्केट में सेलिंग आपको देखने को मिलती भी है, क्योंकि मार्केट आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कंसोलिडेट है, और कंसोलिडेशन में वो यहाँ से अपसाइड मूव दे रही है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छा मूव हमें नहीं है, तो मार्केट यहाँ से एक शार्प सेलिंग हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है मंडे को। तो मंडे को आपको पी साइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी रहेगी ट्रेड लेने की। यहाँ पर आप अपनी जीरो टू हीरो ट्रेड यहाँ पर आप बनाकर चल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में ही आपको कोई बेरिश पैटर्न यहाँ पर नजर आ जाता है हमारा 11,000 के लेवल के पास, तो देन यहाँ से आप अपनी पी साइड पोजीशन को बनाकर चलेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन भी हमारी ब्रेक हो जाती है तो देन भी आप यहाँ से अपनी पी साइड पोजीशन को बनाकर चलेंगे, और मार्केट में आपको एक शार्प सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। और मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ कि हमारी वीडियो का जो मेन एम होता है वो आपको सिखाने का है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको अपनी फ्री टेलीग्राम पर हर चीज़ मार्केट में आपको अपडेट भी करती हूँ, ताकि आपकी रिवीजन हो सके कि मार्केट में क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, या फिर क्या ट्रेंड लाइंस बन रहे हैं। और हमेशा आपको ये कहा भी जाता है कि जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तब तक आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर सकते हो, इसीलिए आपको खुद ही यहाँ पर सीखना पड़ेगा, मार्केट के ट्रेंड को समझना पड़ेगा, मार्केट के जितने भी हमारे टेक्निकल टूल्स हैं या टेक्निकल हमारी एनालिसिस है उसको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसे यहाँ पर कमा कर चल सकते हो। इसीलिए जितना हो सके आप यहाँ पर सीखने पर अपना फोकस कीजिए। तो ये हमारी खुद की एनालिसिस है कि मंडे को इन लेवल्स के बेसिस पर हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को बनाकर चलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं सीखने के लिए, ताकि आप यहाँ से स्टॉक मार्केट में पैसा आप कमा सकें। थैंक यू।